What is up people, what is up? इसको पहचाने की नहीं तुम लोग, ये अपना ड्रिप पे ड्रिप बड़ा होते जा रहा है ये, और शैतान भी होते जा रहा है। जा नीचे नीचे जा। ओके सो जैसा कि मैंने बोला था, अभी बैक टू बैक वीडियोस में डालते रहूंगा। तो ये वीडियो मतलब ऑनलाइन शॉपिंग वालों के लिए, मतलब जो लोग बाहर रहते हैं। मेरे को पता है बहुत सारे लोग, ऑलमोस्ट मतलब आधे से ज़्यादा लोग जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं वो लोग बाहर ही रहते हैं, मुंबई से बाहर रहते हैं, और वो लोग खास करके मुंबई भी आते हैं शॉपिंग करने। बट जो लोग मुंबई आ ही नहीं सकते, ये व्लॉग खास करके उन लोग के लिए। तो मैं अमेज़ॉन से 5 प्रोडक्ट्स मंगाने वाला हूँ, और मैं ऐसा 3 वीडियो करने वाला हूँ। लाइक मतलब मैंने 3 वीडियो का वैसा सीक्वेंस रखा है, और मेरे को बहुत सारे लोग बोल भी रहे थे कि हेयर स्टाइल बहुत अच्छा लग रहा है, और 2-3 जन बोले कि अच्छा नहीं लग रहा है इतना, मतलब वो पहले वाला स्टाइल थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता था। सो इस पे भी एक वीडियो मैंने बना के रखा है, और मैंने अभी हेयर कलर किया था। हाँ, हेयर कलर मतलब टेम्पररी हेयर कलर किया था, अभी तुम लोग देख सकते हो। 1 वॉश में वो चीज़ चले जाता है, बट वो कलर का तुम लोग रिजल्ट्स देखोगे अगर। मैंने ऑलरेडी वो ब्लॉग बना के रखा है, बट अभी ये 3 ब्लॉग में पहले कंटिन्यू डालूंगा क्लोथिंग के, क्योंकि तुम लोगों का डिमांड भी है उसका, और इसके लिए मैं कंटिन्यूस वही वाले ब्लॉग डालूंगा। 3 ब्लॉग ऑनलाइन तुम लोगों के लिए बहुत ईजी पड़ने वाला है ये चीज़। सो ये सब छोड़ो, अपन अपना इंट्रो देना ही भूल गए। Ayo, check this out, Red Zone in the house. Okay, so what's going on, people? Welcome back to Red Zone. This is your boy Ricky Karkera. So, how are you guys doing? ओके सो मैं आज ज़्यादा एक्साइटेड है ना इसके लिए, क्योंकि ये जो तुम लोग देख रहे हो ऐसा थोड़ा सा तुम लोगों को चेंजेस दिखता रहेगा। ये वॉल पूरा ऑलमोस्ट हो गया है, मतलब कवर हो गया है, इसको पूरा ग्रे हम लोग ने करके रखा है, और ये जो स्ट्रिप भी तुम लोगों को थोड़ा सा हाईलाइट होकर दिखता रहेगा वो एक उसका स्ट्रिप है, लाइक मतलब वायर खींचा है वहाँ से। तो मैं तुम लोग को यहाँ पर तुम लोग को एक फ़ोटो दिखता रहेगा, हम लोगों ने ऐसा कुछ सेटअप बनाया है, और ये सेटअप एक्चुअली हम लोगों ने बना तो दिया है, बट हम लोगों ने किधर भी देखा नहीं, लाइक मतलब ऐसा किधर से भी आइडिया वगैरह नहीं लिया। जो जो चीज़ें हम लोग लेते गए, इसका भी मैं एक प्रॉपर वीडियो डालने वाला हूँ, मतलब एकदम प्रॉपर कि हम लोगों ने मतलब सेटअप पूरा कैसा बनाया है। बट ये हम लोगों से थोड़ा सा गलती हो गया, कैसा अब ये जो तुम लोग देख रहे हो ये बहुत अच्छे से तुम लोगों को दिखता रहेगा, बट सामने से ना लाइट नहीं आ रहा है, मतलब पूरा लाइट है ना फोकस उस पर ही जा रहा है। तो अभी हम लोग लाइटिंग्स चेंज करके ऐसा पूरा स्क्वायर में ऊपर लगाएंगे, और वो जो हॉट ड्रिप लिखा हुआ है उसको थोड़ा सा नीचे कर देंगे। मैं सोच रहा था कि ये चीज़ मैं तुम लोगों को दिखाऊँ नहीं, बट मैं फिर सोचा कि और कोई है भी नहीं मेरे पास जिसको मैं ये दिखाऊँ, तो मैं बोला यही वीडियो में तुम लोगों को ये बता देता हूँ। और वो हॉट ड्रिप को थोड़ा सा नीचे करेंगे, क्योंकि वो हाइट के थोड़ा सा ऊपर जा रहा है बस। और बाकी सेटअप थोड़ा सा अभी ओवरऑल पूरा जो रूम है ऐसा, मेरा हाफ जो हॉल है उसका हाफ हॉल में पूरा कवर करने वाला हूँ, पूरा एक अच्छे से सेटअप बना के, ताकि तुम लोगों को एकदम क्वालिटी व्लॉग मिल पाए। और सब ज़्यादातर मैं कैमरे से ही शूट करूँगा, बट अभी एक्चुअली हॉल थोड़ा सा छोटा है, इसके लिए मेरे को फ़ोन से ही शूट करना पड़ता है। सो वो सब चीज़ छोड़ते हैं, अभी अपन स्टार्ट करेंगे अपना क्लोथिंग। जो मैंने 5 प्रोडक्ट्स मंगाए हैं, जो 5 प्रोडक्ट्स मैंने मंगाए, अभी मैं तुम लोग को एक एक पहन के भी दिखाऊंगा और उसका रिव्यू भी देते रहूंगा। ओके सो गाइस, ये है अपने 5 प्रोडक्ट्स, और मेरे को बोलने की ज़रूरत तो नहीं है, पर अपन हमेशा सब चीज़ ओवरसाइज ही मंगाते हैं, तुम लोगों को पता है, जब तक वो एक फिटनेस या जिम ब्लॉग ना हो तभी तक। सो मैंने 5 ओवरसाइज टी शर्ट्स ही मंगाए, और बहुत ही मतलब तुम लोगों को वो तो पता है अपन बजट में ही मंगाते, ताकि अपनी ऑडियंस अपने साथ जुड़े रहे, और बहुत अच्छे खासे बजट में मैंने 5 टी शर्ट मंगाया। और मैं तुम लोगों को साथ ही साथ तुम लोगों को डिस्क्रिप्शन में प्राइस वाइज सब कुछ मिल जाएगा ये चीज़ का। तो मैंने कलर में भी बहुत सारे मतलब अलग अलग कलर्स ही मंगाया, ताकि मतलब उसका क्वालिटी और कलर, मतलब जो दिखा रहे हैं वो लोग और जो भेज रहे वो सेम है या नहीं है। तो अभी एक एक करके अपन स्टार्ट करेंगे। सबसे पहली चीज़,
मैं तुम लोगों को लास्ट में वो प्रोडक्ट बताऊंगा जो मेरे को मतलब जो मेरे को सबसे अच्छा लगा, वो पांच प्रोडक्ट में से जो सबसे अच्छा लगा वो मैं तुम लोगों को लास्ट में बताऊंगा वीडियो के। सो अभी फर्स्ट प्रोडक्ट से अपन स्टार्ट करते। ओके सो देख सकते हो तुम लोग स्टे ग्रूवी, इसका कलर मेरे को बहुत अच्छा लगा और ये जो प्रिंट लिखा है वो ज़्यादा अट्रैक्टिव लगा मेरे को। बट ये मंगाते टाइम पे मैंने एक गलती कर दिया, मैं मोस्टली एक्सेल ही मंगाता हूँ, बट मैंने जब भी मैं इसका ऑर्डर दे रहा था तभी मैंने जो मॉडल खड़ा था ये पहन के उसने एक्सेल पहना था, तो मैंने सोचा कि ये बहुत लंबा मॉडल है मतलब दिखने से लग रहा था, तो मैंने सोचा मैं एल मंगा लेता हूँ। बट एल मेरे को एकदम भी ज़्यादा मतलब अपन जितना ओवर साइज पहनते उतना ज़्यादा नहीं है, बट एल भी प्रॉपर ओवर साइज हो रहा है वो तुम लोग को दिखता रहेगा अभी मैं पहन के जब भी बताऊंगा तभी। सो इसका क्वालिटी की अगर बात करें तो क्वालिटी नो डाउट इसका 299 रुपीस का है, ये क्वालिटी नो डाउट बहुत अच्छा क्वालिटी है 299 रुपीस में अगर तुम लोग को मिल रहा है तो। ब्रांड का एंड डोंट नो कौन से ब्रांड का है और वो सब मेरे को बोलने की ज़रूरत भी नहीं है, खाली मैं लिंक छोड़ दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तुम लोग जाके चेकआउट कर देना। अच्छा है, ओवरऑल अच्छा है, मेरे को बहुत अच्छा लगा और 299 में मिल रहा है, अपने को बजट में मिल रहा है तो और क्या चाहिए अपने को। सो सेकंड टी शर्ट की बात करें तो कलर तुम लोग देख सकते हो, ये कलर मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है, बैक में कुछ नहीं बट फ्रंट प्रिंट बहुत ही ज़्यादा क्रेजी। तो लोगों ने वो जो आई बना के रखा है मैंने पढ़ा भी नहीं था एक्चुअली उस पर क्या लिखा है, बट ये जो ये लोगों ने आई बना के रखा है यहाँ पे ये मेरे को बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगा, तो मैंने बोला ये टी शर्ट भी मैं ऑर्डर करूँगा ही करूँगा। मैं बोल रहा हूँ ना मैंने वो पढ़ा भी नहीं उस पर क्या लिखा है, वरना मैं मोस्टली पढ़ के मंगाता हूँ टी शर्ट पे ऐसा कुछ मोटिवेशनल लिखा है या ऐसा कुछ अच्छा सा ड्रिप वाला लिखा है तो मैं ज़्यादातर वही पढ़ के मंगाता हूँ, बट ये टी शर्ट में मेरे को आई बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और अगर क्वालिटी की बात करें तो क्वालिटी भी अच्छा है, बट जो ऑरेंज वाला था ये ऑरेंज वाले का क्वालिटी इससे मेरे को थोड़ा बेटर लगा, मतलब मेरे हिसाब से जब भी मैंने पहना था इसको, तुम लोग देख सकते हो अभी मैं पहन के भी बताऊंगा, तो ऑरेंज वाले का क्वालिटी मेरे को इससे ज़्यादा अच्छा लगा। तो ओवरऑल अच्छा ही है बट क्वालिटी डिफरेंस में मैं तुम लोग को इसके लिए बता रहा हूँ। और नेक्स्ट प्रोडक्ट, ये कलर लैवेंडर कलर बहुत ज़्यादा प्यारा दिखता है और जब भी तुम लोग अच्छा सा एक आउटफिट पहनोगे अच्छा सा उसको ऐसा एक ड्रिप पहन के चलोगे तो तुम लोगों को मालूम पड़ेगा क्वालिटी इसका बहुत ज़्यादा क्रेजी है। बैक प्रिंट नहीं है, फ्रंट प्रिंट देख सकते हो तुम लोग, क्वालिटी मेरे को इसका बहुत ज़्यादा अच्छा लगा और प्रॉपर फिट है, लाइक मैंने एक्सेल साइज ही मंगाया और एकदम एक्सेल जो प्रॉपर फिटिंग रहता है इसका वही है। मैं पहन के तुम लोगों को बता रहा हूँ तो तुम लोगों को एकदम प्रॉपर मालूम पड़ जाएगा कि वो कैसा फिटिंग आ रहा है, ठीक है, तो उसका टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है तुम लोगों को। सो नेक्स्ट वन अपना फेवरेट कलर ब्लैक एंड वाइट, वाइट में तो नहीं है बट ब्लैक में। सो तुम लोग इसका फ्रंट प्रिंट देख सकते हो, स्टे स्ट्रॉन्ग, बैक प्रिंट इसका बहुत ज़्यादा डोप लगा मेरे को क्योंकि ये लोगों ने जो कलर्स के साथ खेला है वो बहुत हाईलाइट होके दिखता है और बहुत अच्छे से दिखता है, और आगे भी ये लोगों ने मतलब सामने भी एकदम सिंपल सा चीज़ लिखा है स्टे स्ट्रॉन्ग और पीछे एक डोप सा प्रिंट दिया है, तो ऐसे टी शर्ट्स मेरे को पर्सनली ज़्यादा पसंद आते हैं कि मतलब आगे एक छोटा सा एक मोटिवेशनल या एक कोई वर्ड लिखा हो कुछ भी मतलब जो ऐसा थोड़ा अट्रैक्टिव लगे और पीछे एक ऐसा डोप सा प्रिंट जो ज़्यादातर देखने नहीं मिलेगा। लास्ट 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 सो ये वाला मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, प्राइस इसका बाकी सबसे थोड़ा सा हाई है बट बेवकूफ़ का टी शर्ट है ये और मेरे को बेस्ट लगा, मतलब प्राइस के हिसाब से भी बहुत बेस्ट और क्वालिटी के हिसाब से तो A1 यार। आर यू गाइस रेडी?
So, ये है वो टी शर्ट, इसके स्लीव्स में भी प्रिंट है, तुम लोग देख सकते हो। मैं वैसे भी सिनेमैटिक में डालने वाला हूँ, बट मैं अभी भी तुम लोगों को बता रहा हूँ। बैक प्रिंट यार ये लोगों का, ये जो पर्पल और वाइट कलर से लोगों ने खेला है ना, ये बहुत ज्यादा डोप दिख रहा है यार मेरे को। इसके लिए टी शर्ट बहुत अच्छा लगा। और बेवकूफ वालों का सबसे एक चीज जो मेरे को सबसे ज्यादा अच्छा लगा, नेक्स्ट डे डिलीवरी आ गया मेरे को। इसका क्वालिटी की बात करेगा, इस क्वालिटी बहुत क्लास है, बहुत क्लास है। ये 299 का नहीं है, बट इसका प्राइस थोड़ा सा हाई है, एकदम भी हाई नहीं है। मेरे को याद तो नहीं अभी इसका प्राइस, बट मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा, तुम लोग एक बार जाके चेकआउट कर देना। बट ये वाला टी शर्ट एक बार जाके देख लेना, क्योंकि अभी जो सेल चल रहा है वो सेल तुम लोगों को अभी एंड ऑफ द मंथ है तो सेल चालू ही रहेगा थोड़े टाइम तक, तो एक बार सेल के प्राइजेस चेकआउट कर लेना। और तुम लोगों को बहुत इजी पड़ने वाला है लाइक बाय करने के लिए भी, क्योंकि इतना अच्छा सेल चल रहा है और 299 से ओवरसाइज टी शर्ट्स स्टार्ट हो रहे। मतलब मैं ऑनलाइन इतना ज़्यादा ऐसे अमेजोन वगैरह से मंगाया नहीं था, बट अभी अमेजोन मिंत्रा वगैरह सब मैं मतलब चेकआउट करते रहता हूँ अच्छे क्वालिटी कपड़ों के लिए। सो ये गाइज वो 5 प्रोडक्ट्स थे जो मैंने मंगाए, और मैं तुम लोगों को ऐसा बिना कुछ ऐसा डाउट रख के बोल सकता हूँ कि तुम लोग भी ये 5 प्रोडक्ट बाय कर सकते हो। मतलब कुछ भी ऐसा क्वालिटी में ऐसा ये नहीं होने वाला है। एकदम 200 वाले भी टी शर्ट्स थे, बट मेरे को वो देख के ही समझ में आ रहा था कि इसका क्वालिटी थोड़ा सा लो ही रहेगा, और मैंने रिव्यूज़ वगैरह भी देखा। और जो भी तुम लोग बाय करोगे एक बार रिव्यू और बाकी सब उसका क्वालिटी कैसा है, कौन सा कपड़ा है, मतलब कॉटन है नहीं है, एक बार चेकआउट कर लेना, क्योंकि ऐसा कभी कभी हो जाता है कॉटन की जगह दूसरा वो लोग क्वालिटी भेज देते, तो फिर बाद में रिटर्न विटर्न का चक्कर करने से अच्छा है तुम लोग पहले अपना क्वालिटी वगैरह सब कुछ चेकआउट कर लो। और एक चीज़ मेरे को ग्लासेस के बारे में भी लोग पूछ रहे थे, तो ये ऐसे ही स्टाइल के लिए नहीं पहनो, स्टाइल के लिए पहनो ऑब्वियसली, बट ऐसे ही टाइम पास के लिए नहीं पहनो। एक्चुअली मेरे को माइग्रेन हो गया था बीच में, तो सिर बहुत दुखता था, तो ये ब्लू लेंस ग्लासेस है, तो तुम लोगों को पता रहेगा मतलब जो भी स्क्रीन के सामने ज़्यादा बैठते हैं, जो लोग जॉब करते हैं या लैपटॉप या फ़ोन को लेके पूरे टाइम बैठे रहते हैं, तो ब्लू लेंस स्पेक्स बहुत अच्छे रहते हैं। लाइक मतलब तुम लोगों के आइज़ पेन नहीं करेंगे, तुम लोगों का सर कम पेन करेगा, एकदम कम करना बंद नहीं करेगा, बट जो पेन रहता है उसको थोड़ा सा रिलीफ मिल जाएगा। तो इसको भी मैं प्रमोट तो नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं इसका लिंक भी नहीं देने वाला हूँ डिस्क्रिप्शन में, ताकि ऐसा ना लगे कि इसको मैं प्रमोट कर रहा हूँ। तो एक बार इंस्टाग्राम पे तुम लोग जाके मेरे पिक्चर्स चेकआउट कर सकते हो, वहाँ पे तुम लोगों को ये ग्लासेस का लिंक मिल जाएगा। क्योंकि बहुत सारे लोगों को ऐसा तकलीफ रह सकता है, मेरे को ऐसा लगता है, जो मतलब मैं भी फेस करता हूँ माइग्रेन की वजह से थोड़ा सिर दुखता है, इसके लिए मैं ग्लासेस ज़्यादातर पहन के रखता हूँ। वीडियो में तो आज पहली बार पहन रहा हूँ, बट मैं मोस्टली पहन ही रखता हूँ एडिटिंग या कुछ भी करते टाइम या लैपटॉप वगैरह यूज़ कर रहा हूँ तो। ओके सो अभी वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो गया, और मेरे को याद से बताना और कमेंट करके मेरे को याद से बताना, मेरे को तुम सब लोगों का कमेंट चाहिए। अगर तुम लोगों को लगता है कि मैं कमेंट चेकआउट नहीं करता हूँ, तो मैं एक एक जनों के कमेंट चेकआउट करता हूँ, और मतलब अगर कुछ क्वेश्चन रहता है तो ही मैं उसका रिप्लाई देता हूँ, वरना मैं लाइक करके छोड़ देता हूँ, तुम लोगों को अच्छे से पता है। तो मेरे को एक एक जन का कमेंट दिखना चाहिए, ठीक है? मतलब अगर हक से मान रहे हो तो भाई सबका कमेंट आना ही चाहिए। और मेरे दोस्त लोगों को भी खास अलग से बोल रहा हूँ, वो लोग भी ये चीज़ नहीं करते हमेशा, मतलब बहुत पहले से मैं बोलते आ रहा हूँ कि भाई लोग कमेंट करना मत भूलो, कमेंट करना मत भूलो। तो सब लोग का मेरे को कमेंट चाहिए वीडियो में, इतना याद से कमेंट कर देना, ठीक है? और अभी बैक टू बैक वीडियोज आने वाले, लगातार 3 वीडियो स्टार्ट में अपने क्लोथिंग के आने वाले, उसके बाद हेयर कलर का आएगा, हेयर कलर का भी बहुत क्रेजी ब्लॉग होने वाला है। ओके सो ये ब्लॉग को अपन यही पेंट करते हैं। सो आई होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो, इफ यू डिड डू लाइक कमेंट शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय YouTube चैनल। सो आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, गुड बाय, पीस ब्रो। और ये जो ब्लू ब्लू दिख रहा है ना, वो ब्लू लेंस है ना, इसके लिए थोड़ा सा ऐसा। चलो भाई, रिजोन साइनिंग आउट, पीस। मेरे बारे में पूछ, मैं उठ जाता टाइम पे, करता नहीं स्नूज, मैं घर में था सबसे अलग, सब आके बोलते तू जीने को सीख, कमर थी 30, उम्र थी 20, बादल को धुआं तू करूं मैं पीस।